तो कंसिडर सन टू बी अ परफेक्टली स्फेयर ऑफ रेडियस गिवन, कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इन 1 मिनट. तो सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान ली जाए, आपको रेडियस ऑफ सन गिवन है, तो वहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं. निकालना क्या है, एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इन 1 मिनट, यानी कि एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड निकालना है. तो इसके अंदर एरिया निकाल लिया, टाइम 60 सेकेंड पता है. अब आपको पता है कि ई सिग्मा इंटू टी की पावर 4 क्या होता है, ये टर्म क्या होती है, दिस इज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी पर सेकेंड, को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट साइड पे लिखो दिस इज द वैल्यू फॉर एनर्जी. तो हमने क्या निकालनी है, एनर्जी 60 सेकेंड में, तो टाइम को 60 सेकेंड पुट किया, एरिया पता है आपको, इसमें सिग्मा पता है और टेम्परेचर पता है. तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल्स. तो 60 सेकेंड में कितनी एनर्जी एमिट हुई वो हमने निकाल दी. कोई डाउट इसमें, मेथड क्लियर है यहां तक. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर, क्या निकालना है टेम्परेचर, फिलामेंट ऑफ 100 वॉट लैम्प, 100 वॉट लैम्प का मतलब एनर्जी पर सेकेंड इज 100, ऑपरेट इफ इट इज सपोज टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया गिवन. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी में क्या गिवन है, आपको पावर गिवन है, पावर क्या होता है 100 वॉट. आप एक काम करो, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो पावर को सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं कैसे, वॉट्स का मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, आप 10^7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अर्ग्स पर सेकेंड. तो एक काम करो, यहां पर ई की जगह ना बेटर है आप यहां पावर लिखो, ई लिखो, तो ये पावर की वैल्यू आ गई. एरिया आपको पता है, टेम्परेचर आपको निकालना है. तो ये बताओ कि ये जो टर्म है इसकी जगह पे पी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सिग्मा इंटू टी की पावर 4 क्या है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, एनर्जी पर सेकेंड, और एनर्जी पर सेकेंड क्या होती है, पावर. तो ये पी की वैल्यू रहने दो, यहां भी पी कर लो. अब क्योंकि आपको पी पता है, आपको सिग्मा पता है, आपको एरिया पता है, सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. मेथड समझ में आ रहा है यहां तक. हाँ, ये बुक्स यहाँ ई लिखती हैं, बट वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ई, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है. अगर आप इसमें पी लिखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है. तो ई से हमने पी बना लिया, एरिया से मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, यहीं तक छोड़ देना, इससे ऊपर सॉल्व हो नहीं पाएगा, इट्स ओके. ठीक, जैसे सपोज सरफेस एरिया ऑफ पर्सन बॉडी इज 1.8, किसी बंदे का सरफेस एरिया 1.8 है, रूम टेम्परेचर 20 है, तो 20 डिग्री सेल्सियस रूम में बैठा हुआ है, स्किन टेम्परेचर 27 है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 27 है और रूम टेम्परेचर 20 है, तो उसकी बॉडी में से हीट निकल के कहाँ जाएगी, रूम में चली जाएगी. तो एनर्जी, उसकी बॉडी एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. तो उसकी बॉडी एनर्जी एमिट करेगी क्योंकि उसका खुद का टेम्परेचर कितना है 27 और रूम का टेम्परेचर कितना है 20. तो अब वो कह रहे हैं इमिसिविटी ऑफ स्किन इज अबाउट 0.97, यानी कि इट इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. Relevant region of electromagnetic radiation, estimate the rate of heat radiation from a person's body. तो इस बंदे की बॉडी में से कितनी हीट निकल रही है पर सेकेंड, ये बताओ. अब रूल नंबर वन, आपको इस क्वेश्चन में ये पता है कि उसका टेम्परेचर कितना है टी, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी पता है. तो सबसे पहले उसकी बॉडी का एरिया पता है, इमिसिविलिटी भी पता है, और टेम्परेचर 27, उसकी बॉडी का टेम्परेचर 300 केल्विन पता है, और रूम का टेम्परेचर 293 पता है. तो हमने क्लास में किया था कि अगर एक बॉडी एक सराउंडिंग में पड़ी हुई है तो वो अपने अंदर से कितनी एनर्जी एमिट करती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो सिग्मा इनटू दिस, बस इतना किया था हमने. तो ये फॉर्मूला किसका था, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड आ जाएगा. और क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसको इमिसिविटी से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो इसीलिए ऐसा करने पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो टर्म क्या आएगी, वो टर्म आएगी एनर्जी पर सेकेंड. तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, जूल पर सेकेंड. तो वो यही पूछ रहा है कि उसकी बॉडी में से कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकेंड, तो इतनी एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकेंड इज द आंसर. क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें. ठीक, तो ये इसका आंसर है. क्वेश्चन है स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक स्फीयर है जिसका 12 सेंटीमीटर है, रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन. तो इतनी पावर को वो रेडिएट करती है अपनी बॉडी में से निकालती है और 500 केल्विन पे. इफ रेडियस वर हाफ्ड, अगर मैं रेडियस को आधा कर दिया आर की जगह आर बाई टू, और टेम्परेचर को बॉडी का डबल कर दिया 500 की जगह 1000 कर दिया, तो वॉट वुड बी द पावर रेडिएटेड. तो एक काम करते हैं,
सबसे पहले ये बताओ कि पावर रेडिएटेड है क्या, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया पावर। तो प्लीज यहां पी कर लें, ई की जगह पी करें, तो पावर की वैल्यू क्या आ गई, एनर्जी पर सेकेंड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि स्फीयर की बात हो रही है तो एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, पी डैश, रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे R/2, टेम्परेचर की जगह क्या पुट करेंगे 2T, तो यहां से आपके पास क्या आ गया पी डैश, तो ये आपके पास आ गया पी, ये पी और ये आ गया पी डैश, क्योंकि टेम्परेचर को डबल कर दिया। आप एक काम करें, इस पी डैश और पी को डिवाइड कर लें तो फाइनल आंसर पी डैश क्या आएगा, 4 टाइम्स पी, और पावर क्योंकि पहले 450 गिवन है, अब नई पावर कितनी आएगी, 4 टाइम्स 450 आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसे कोई डाउट इसमें, ठीक है आता। नेक्स्ट है, बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन भी नीट में और मेंस में, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, आर केप्ट इन इवैक्यूएटेड वेसल मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, दोनों को सराउंडिंग टेम्परेचर 27 में रख दिया, टेम्परेचर ए का गिवन है 527, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, और बी का टेम्परेचर गिवन है 127, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। अब ए बॉडी भी अपने अंदर से हीट को सराउंडिंग में देगी, बी बॉडी भी अपने अंदर से हीट को सराउंडिंग में देगी, आपको यही कंपेयर करना है, फाइंड रेट्स एट विच हीट इज लॉस्ट फ्रॉम ए एंड बी, कंपेयर करो दोनों का रेट, ई की वैल्यू दोनों की कंपेयर कर दो। तो एक काम करते हैं, ए अपने अंदर से, ए अज्यूमिंग टू अ ब्लैक बॉडी, अपने अंदर से कितनी एनर्जी को रेडिएट करता है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, हमने फॉर्मूला किया था सिग्मा इंटू ए का टेम्परेचर का 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर का 4, और ऐसे बी के लिए भी सेम फॉर्मूला, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो ए का टेम्परेचर पता है, बी का टेम्परेचर पता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर पता है, सॉल्व करके रेशियो आ जाएगी 23। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन में सोचना है, कि कोई भी गर्म बॉडी सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करेगी तो ए भी करेगी और बी भी करेगी, दोनों का रेट आपने निकाल दिया, E1 एंड E2 इज द आंसर, ठीक, तो इसका आंसर है।